अगली खबर आ रही है पन्ना जिले से, जहां रत्न गर्भा धरती ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छतरपुर के दो लोगों को माला माल कर दिया है। हीरा की खदानों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले की उथली खदान से दस सुकोदर निवासी गढ़ा छतरपुर को हीरापुर टिपरियन से 340 कैरेट वजन का बेसकीमती हीरा मिला है, तो वहीं वृंदावन रैकवार निवासी पथरगुवा छतरपुर को 486 कैरेट का नायाब हीरा पड़ा मिला है। 340 कैरेट वजन के हीरे की अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपए आंकी जा रही है, तो वहीं 486 कैरेट के उज्जवल हीरे की कीमत 20 लाख से अधिक की आंकी जा रही है। हीरा धारकों ने हीरो को नियमानुसार कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में आकर जमा कर दिया है। इस हीरे को आगामी होने वाली नीलामी में विक्रय के लिए रखा जाएगा। हीरा कार्यालय पन्ना के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि जमा हुए हीरे को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। बिक्री से प्राप्त राशि में से शासन की रॉयल्टी काटने के बाद शेष राशि हीरा धारक को प्रदान की जाएगी। हीरे की अनुमानित कीमत पूछे जाने पर हीरा पारखी ने बताया कि हीरा जैम क्वालिटी का है, जिसकी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती। गौरतलब है कि पलक झपकते ही रंग से राजा बनने का चमत्कार यदि कहीं घटित होता है तो वह रत्ना गर्भा पन्ना जिले की धरती है। इस धरती की यह खूबी है कि अचानक ही यहाँ पर कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ 12 अक्टूबर को देखने को मिला, जहाँ छतरपुर निवासी दो व्यक्तियों की किस्मत अचानक बदल गई और वह देखते ही देखते लखपति बन गए। बहुमूल्य हीरा मिलने की खबर फैलने के बाद से उनके घर पर उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है तथा परिचितों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा है। कटिंग भी चली जाएगी।